हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम की पाठशाला। आज मॉम की पाठशाला में मॉम ने प्लान की है बहुत ही इंटरेस्टिंग डो एक्टिविटी विद सेफ डो। मैंने सेफ डो इसलिए कहा क्योंकि ये जो मैंने डो प्रिपेयर किया है, मैंने प्रिपेयर किया है किचन के कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर। मैं इस डो को बाहर से नहीं लेकर आई क्योंकि हमेशा ना मुझे ये कंसर्न रहता था कि मेरी डॉटर उसको खाना नहीं, इसलिए मैंने कभी भी उसको बाहर से डो परचेज करके नहीं दिया। बट जब मैं उसको उसकी डो से प्ले करते हुए देखती थी और उसकी क्रिएटिविटी और ये कि कितना इंटरेस्टिंग वे में और किस तरह से वो अपनी इमेजिनेशन को पंख देती है, तो बाहर से डो लाना नहीं था और मैं अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को भी नहीं रोकना चाहती थी। तो कहते हैं ना फिर कि जहाँ चाहा वहाँ राज। बस मैंने प्रिपेयर किए ये दो सेफ डो, येलो कलर डो एंड ब्राउन कलर। येलो कलर डो जो है मैंने बनाया है आटा, बेसन और टर्मरिक को मिक्स करके, और ब्राउन कलर डो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है मैंने आटा और ओरियो बिस्किट को मिक्स करके। मैंने हाफ कटोरी आटा लिया और उसमें एक ओरियो बिस्किट को क्रश करके डाल दिया और फिर उसको डो बना लिया। तो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी विद दीज सेम डो। और इसके लिए ली है मैंने एक स्लेट, एक व्हाइट बोर्ड और मेरी किचन से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, ग्लोव्स, सिनेमन स्टिक, स्ट्रॉ और फोर्क। मैं इस सेफ डो से वो चीजें बनाऊंगी जो किड्स देखते भी हैं और इजीली आइडेंटिफाई भी करते हैं। सो सबसे पहले येलो कलर डो को यूज करके मैं बना रही हूँ सन। और अब मैं थोड़ा सा ब्राउन डो लूंगी और उससे बनाऊंगी सन की आईज और स्माइल। नाउ आवर सन इज रेडी। लग रहा है ना बहुत क्यूट सा सन। और अब है ब्राउन डो की टर्न। ब्राउन डो से मैं बनाऊंगी कैटरपिलर। ब्राउन डो को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद सारे पार्ट्स की मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी। राउंड राउंड बॉल्स, 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 राउंड राउंड बॉल्स। और अब दो ग्लोव लेके कैटरपिलर के हेड पे लगा दिया और कैटरपिलर इज रेडी। फिर से थोड़ा सा ब्राउन डो लिया और उसको राउंड राउंड करके छोटी सी बॉल बना दिया। अब उसमें स्ट्रो को लगाया और बन गया लॉलीपॉप। अब येलो डो बोल रहा है कि उसकी भी टर्न आनी चाहिए फिर से, तो हम बनाते हैं येलो डो से अब कुछ। क्या बनाएं, क्या बनाएं? ओके, हम बनाएंगे एक मजेदार फ्रूट और वो फ्रूट है बनाना। तो ये बन गया हमारा बंच ऑफ बनानास। और अब मैं लूंगी ब्राउन एंड येलो डो, दोनों डो की हेल्प से मैं कुछ बनाऊंगी। ब्राउन डो को लेकर उसको प्लेट की शेप देने का ट्राई कर रही हूँ। डो को सेंटर से थंब की हेल्प से फ्लैटन करके और उसके एजेस को ऊपर की तरफ थोड़ा सा टर्न कर दो। फिर येलो डो से छोटे छोटे राउंड राउंड लड्डू बनाने हैं। मेरी बेटी को लड्डू जो है काफ़ी पसंद है और वो मुझे बोलती है कि मम्मा बाल गणेशा को, छोटा भीम को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं और वो लड्डू खा के ना स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और फिर से ब्राउन डो की टर्न और ब्राउन डो के साथ बनाऊंगी मैं एक और फ्रूट
जिसके लिए ब्राउन डो को मैं शेप दे रही हूँ ओवल। ओवल शेप देने के बाद फोर्क की हेल्प से उसमें छोटे छोटे होल्स बनाएंगे और उसके बाद लेंगे एक क्लॉथ और इस फ्रूट के टॉप पर हम उसे लगा देंगे और ये हमारा कीवी रेडी है। बट किड्स, इसको खाना नहीं है, ओके? और अब मैं फिर से दोनों डो यूज कर रही हूँ, येलो एंड ब्राउन, और उससे बनाऊंगी एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। डो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, छोटे वाले डो से बनाया मैंने लॉन्ग शेप और बाकी दो डो से बटरफ्लाई के विंग्स, और उन्हें फिंगर टिप्स और थंब की हेल्प से फ्लैटन किया और एक इंटरेस्टिंग सी शेप दी। फिर 2 क्लॉव्स की हेल्प से बटरफ्लाई के एंटीना और सिनेमन स्टिक की हेल्प से बटरफ्लाई के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसके विंग्स को फॉक की हेल्प से और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं। बटरफ्लाई तो बहुत ही कलरफुल होती है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर्स हैं, ब्राउन एंड येलो। तो हम येलो से बटरफ्लाई को और ब्यूटीफुल बनाएंगे। सो छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और बटरफ्लाई को उससे सुंदर बनाना है। येलो कलर से थिन स्ट्रिप्स बनाकर विंग्स की एक आउटलाइन बना देंगे। और ये होममेड सेफ डो उन किड्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जो कि मार्केट से प्ले डो परचेज नहीं कर सकते। तो ये बन गई है हमारी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई, और मेरी डॉटर यहीं बैठी हुई है तो मुझे उसको दिखाना है कि मम्मा ने क्या बनाया है। देखने के बाद शी वाज सो हैप्पी और बोलती है, मम्मा आप मेरे लिए एक फ्लावर, एक मैंगो आइसक्रीम और एक मैंगो भी बना दोगे? तो अब डिमांड की है तो वो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो नाउ आई एम मेकिंग फ्लावर, मैंगो एंड मैंगो आइसक्रीम। इस होममेड सेफ डो की एक और अच्छी बात ये है कि इसको यूज करने के बाद हम चपाती बनाकर किसी भी एनिमल को खाने के लिए दे सकते हैं। अगर मैं इस आटा डो को कलरफुल बनाने के लिए उसमें पेंट या कोई भी ऐसा कलर जिसमें केमिकल होता मिला देती तो डेफिनेटली मुझे यूज़ करने के बाद उस आटा डो को डस्टबिन में ही डालना पड़ता। पर मैंने क्या किया, मैंने तो उसमें मिलाए हैं एडिबल एंड नेचुरल कलर्स, सो मैं उसको किसी भी एनिमल को चपाती बनाकर दे सकती हूँ। मैंगो आइसक्रीम तो मैंने बना दी है और अब मैं बना रही हूँ फलों का राजा मैंगो। फिंगर टिप्स की हेल्प से डो को मैंगो की शेप देनी है और उसके बाद एक क्लॉव लेंगे और उसको मैंगो के टॉप पर लगा देंगे। फिर से ब्राउन डो लेना है और उसको इस तरह से रोल रोल करना है, फिर 2 क्लॉव्स लेकर आगे की तरफ लगा देनी है और पीछे से रोल रोल रोल, और ये बन गया स्नेल। जब मैं इस होममेड सेफ डो से एक्टिविटी कर रही थी तो मेरी डॉटर पास में ही बैठी हुई थी और मतलब उसको इतना इंतजार था कि मम्मा कब ये डो मुझे देगी, तो वो डो लेकर चली गई है और उसने बनाना उसको शुरू कर दिया है।
क्यूट सी बात बताऊं, लड्डू बनाने के बाद वो बोलती है, मम्मा मैं बाल गणेशा को लड्डू खिलाने जा रही हूँ। और घर में मंदिर के सामने उसने ये लड्डू बनाकर रख दिए। अगर आपको मॉम की पाठशाला का आज का ये लेसन इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, सेफ लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।